हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडियो ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता के इकाइयों को पढ़ेंगे और समझेंगे तथा इन इकाइयों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। इससे हमारे समय का भी बचत होगा और क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक ही है तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप आसानी से अच्छे नंबर के साथ आप पास हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो इससे मिलते जुलते अन्य प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। और उम्मीद बहुत हद तक यह है कि इसमें जो प्रश्न है इसी पर आपको लगभग सेम ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले इकाई के अंदर देखें तो जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न बनता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह यहाँ दिया गया है। क्या कारण थे कि भारतेंदु युग से पूर्व के कवि परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करते थे? दो या तीन पंक्ति में उत्तर देने के लिए आपको कह रहा है। तो प्रश्न ये है कि भारतेंदु युग से पूर्व के जो कवि थे वो एक ही परिपाटी में काव्य रचना करते थे, उसके बारे में हमें बताना है। चूँकि इसका उत्तर ये हो सकता है और यह है कि भारतेंदु युग से पूर्व के जो कवि थे वो राजा पे आश्रित होते थे, वे उनकी आजीविका साहित्य रचना करके चलती थी। चूँकि ये राजा पे आश्रित होते थे इसलिए इन्हें डर था कि अगर वो अपने आश्रयदाता को प्रसन्न नहीं करेंगे तो उन्हें राजाश्रय से हटा दिया जाता, उन्हें उनके दरबार से निकाल दिया जाता, इससे उनकी जीविका खत्म हो सकती थी। इस डर से ये लोग अपने राजाश्रय को, राजा को प्रसन्न करने के लिए जो राजा को पसंद होते थे उन्हीं विषयों पर काव्य रचना करते थे। इसी कारण से जो है ये परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करते चले आए। दूसरा प्रश्न है, जनसाधारण की समस्याओं से संबंधित काव्य रचना प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण थे? दो से तीन पंक्तियों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम देखें तो प्रश्न ये है कि जनसाधारण की समस्याओं से संबंधित काव्य रचना प्रारंभ होने के पीछे कारण क्या था? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि भारत के ऊपर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, अंग्रेजी ताकत के हाथों से देसी राज्य जो छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे वे पराजित होते चले गए, कवियों का राजाश्रय भी खत्म होता गया। अब कवियों को भोग विलास की दुनिया से अलग हटकर जनता के संपर्क में आना पड़ा, क्योंकि उनका जो आश्रयदाता था उनका राज्य समाप्त हो गया, तो जो कवि थे वो उनकी जो भोग विलास की जो दुनिया से संबंध था वो अब टूट चुका था, अतः वे अपने कविताओं को, अपने रचनाओं को जनता के संपर्क में लाए। इस तरीके से उन्होंने जन साहित्य की रचना प्रारंभ की। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। ये सब काफ़ी महत्व, तो चलिए इसमें और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है जो आपके एग्जाम के लिए, उसे देख लेते हैं। खड़ी बोली में पद्य रचना की प्रवृत्ति शुरुआत के किन कवियों में पाई जाती है? खड़ी बोली में पद्य रचना की प्रवृत्ति शुरुआत के किन कवियों में पाई जाती है? तो आइए इनका उत्तर भी देख लेते हैं। खड़ी बोली में जो पद्य रचना की शुरुआत हमें देखने को मिलती है वह अमीर खुसरो तथा कबीर के रचनाओं से ही मिलती है। तो इसका उत्तर है, जो खड़ी बोली में पद्य रचना की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है वह अमीर खुसरो और कबीर की रचनाओं से ही मिलती है। पांचवा प्रश्न आप इसे देख लीजिए, भाषा के मामले में भारतेंदु का क्या विचार था? भाषा के मामले में भारतेंदु का जो विचार था उसे देख लेते हैं। भाषा के मामले में भारतेंदु का यह विचार था कि हम अपनी भाषा की उन्नति के द्वारा ही सभी प्रकार की उन्नति को पा सकते हैं। तो इस तरीके से भाषा पर भारतेंदु के विचार को हमने समझा। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पे ही आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो भारतेंदु पे प्रश्न बने। आपको ये सब चीज़ पता होगा तो आप अन्य किसी प्रश्न का, अगर भारतेंदु के ऊपर प्रश्न है तो आप उसके आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं।
भारतेंदु युग की राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि जनता में असंतोष के पीछे क्या कारण थे। 10 पंक्ति में उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं कि भारतेंदु युग की राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि जनता में असंतोष के पीछे क्या कारण थे। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, तत्कालीन भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक तरह से विद्वेषतापूर्ण वातावरण था। राजा लोग थे, आपस में लड़ रहे थे। इन्हीं सब कारणों का लाभ उठा करके अंग्रेज जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में दखल देना प्रारंभ कर दिए। कूटनीति के बल पे उन्हें सफलता मिली, वे यहाँ के शासक बन बैठे। जब तक पूर्ण रूप से व्यापार चलता रहा, भारत की आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। किंतु जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके परिणाम स्वरूप स्थिति बिल्कुल उलट गई। भारत के कच्चे माल का प्रयोग इंग्लैंड में मशीनों के उत्पादन में होने के लिए भेजना प्रारंभ कर दिया गया, तथा वहाँ निर्मित माल को पुनः भारत को बाजार के रूप में उपयोग किए जाने लगा। इससे क्या हुआ, भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, तरह तरह के शोषण प्रारंभ हुए, भारतीय जनता निर्धन होती चली गई। समय समय पर तरह तरह के प्रतिबंध एवं टैक्स वगैरह जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया, उससे जनता में असंतोष इकट्ठा होने लगा। तो इतना काफ़ी है आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को मैं ले रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी आसानी है और जिनके उत्तर से लगभग ये पूरी इकाई आपको समझ में आ जाएगी। उन प्रश्नों के उत्तर देकर के आप इस पूरी इकाई को कवर कर सकते हैं, यहाँ पर इकाई जो पूरा कवर हो जाएगा। मैं उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताए जाए जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही आए। यहाँ देखिए एक और प्रश्न आया, भारतेंदु युग के कवियों ने हास्य युक्त रचनाएं उपयोगिता की दृष्टि से की, 4 पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए। यहाँ यह कह रहे हैं कि हास्य युक्त रचनाएं जो उन्होंने की वह किस दृष्टि से की थी भारतीय युग के कवियों ने। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। भारतीय युग के जो कवि समाज में हो रही बुराइयों पर अपना ध्यान केंद्रित किए, उन बुराइयों को दूर करने के लिए जनता को सतर्क करना चाहा, जैसे जब नए जमाने की कुछ कविताएं लिखते समय भारतेंदु कहते हैं कि भय दिखाकर सब लूटते हैं और उनके फंदे में जो पड़ता है कभी नहीं छूटता है, वह कौन है, वह पुलिस है। यहाँ वे पुलिस द्वारा हो रहे शोषण की बात करते हैं। तो यहाँ जो कवियों ने हास्य युक्त रचनाएं की वह सामाजिक दृष्टि से ही की, समाज में हो रहे शोषण के विरुद्ध ही की। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं, चलिए इसे मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। भारतेंदु युग के जो कवि थे वो समाज में हो रही बुराई को देख रहे थे, उन बुराइयों को दूर करने के लिए वे जनता से संपर्क करना चाहते थे। इसलिए भारतेंदु जब कुछ नई कविताएं लिखते हैं तो भारतेंदु इस प्रकार हास्य युक्त रचनाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ देख लेते हैं कि भय दिखाकर सब लूटते हैं और उनके फंदे में जो पड़ता है वह कभी नहीं छूटता, वह कौन है, वह पुलिस है। यहाँ वे पुलिस द्वारा हो रहे शोषण की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिख रहा होगा, चौथा, भारतेंदु युग के कवियों ने भारतेंदु द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाया, इस पर हमें 12 पंक्ति में उत्तर देना है। इस कथन को
स्पष्ट करना है 12 पंक्ति में जवाब दे करके। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लेते हैं कि भारतेंदु युग के जो कवि थे वो भारतेंदु द्वारा शुरू किए गए प्रयास को कैसे आगे बढ़ाया। तो यहाँ आप इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा साहित्य को एक नई दिशा दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा साहित्य को एक नई दिशा दी, साहित्य में नई विधाओं का प्रयोग किया, काव्य में विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काव्य की रचना की। भारतेंदु युग उथल पुथल का युग था, विदेशी शासन से जनता त्रस्त हो चुकी थी, साहित्य में राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को स्थान देकर जनता में जन जागरण लाने का कार्य शुरू किया गया। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रयास था। भारतेंदु ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और इसके माध्यम से साहित्यिक गतिविधियों को भी बढ़ाया। भारतेंदु के प्रभाव से तत्कालीन सभी कवियों में देश प्रेम एवं भाषा प्रेम बढ़ा। कवियों ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, काव्य में राजनीतिक घटनाओं का सामाजिक समस्याओं को स्थान दिया। इस प्रकार उन्होंने भारतेंदु द्वारा शुरू किए गए कार्य को विस्तार प्रदान किया। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे करके बहुत ही आसान तरीके से किसी प्रश्न का उत्तर आप इसी तरह सिंपल शब्दों में देने का प्रयास करें, और यह आप एक बार सुनेंगे बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। याद करने की खैर कोई जरूरत ही नहीं है, आपको समझना है। समझना क्या है, एक व्यक्ति थे उनका उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो हमें याद रखना है बस। तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार में याद ना हो तो आप दो बार देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ हूबहू आपके एग्जाम में आए, तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए कुछ और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे विषय वस्तु की दृष्टि से भारतेंदु युग के काव्य में क्या परिवर्तन आया, दो तीन पंक्तियों में हमें इस कथन को स्पष्ट करना है। विषय वस्तु की दृष्टि से भारतेंदु युग के काव्य में क्या परिवर्तन आया, आइए देख लेते हैं। भारतेंदु युग परिवर्तन का दौर था, कवियों ने जहां परंपरा के अनुकूल काव्य रचनाएं की वहीं तत्कालीन समाज के लिए जो उपयोगी रचना थी उनकी भी उन्होंने रचनाएं की। अब काव्य में केवल श्रृंगार भक्ति या वीर भाव की ही नहीं बल्कि देश प्रेम एवं सामाजिक समस्याओं पर भी रचनाएं की जाने लगी। देख लीजिए इससे पहले भी हमने जो कुछ प्रश्न किए थे इसका उत्तर लगभग उसी तरीके से है कि पहले जो थी वो रीतिकालीन रचनाएं होती थी, क्योंकि वो राजा पे आश्रित होते थे, इसलिए राजा की प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाते थे। तो लगभग एक ही परिपाटी चलती आ रही थी अपने आश्रय दाता को खुश करने की, पर अंग्रेजों के द्वारा भारत पे शासन करने से राजा का जो अस्तित्व था वो लगभग समाप्त हो गया। राजकवि जो थे स्वतंत्र हो गए अपनी जीविका के लिए, वे समाज से जुड़ते हुए, जैसे आपको वही बातें कहनी है और इसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विषय वस्तु की दृष्टि से भारतेंदु युग के काव्य में क्या परिवर्तन आया। तो परिवर्तन यही आया कि पहले जो रीतिकालीन जो परिपाटी अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए जो रचनाएं की जा रही थी उसके उलट अब कवि जनता के अनुकूल अपनी काव्य की रचना करने लगे, ऐसे रचनाएं करने लगे जो समाज के लिए उपयोगी थी, और वे श्रृंगार भक्ति या वीर भाव की नहीं बल्कि देश प्रेम और सामाजिक समस्याओं पर भी अपनी रचना करने लगे। तो इस तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं और बहुत ही आसान है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या कारण थे कि भारतेंदु के समय तक खड़ी बोली में काव्य रचना करने में संशय बना रहता था। आइए इसको भी देख लेते हैं। ब्रजभाषा एवं अवधि में काव्य रचनाएं होती, पहले जो थी ब्रजभाषा और अवधि में ही काव्य रचनाएं होती थी। ब्रजभाषा का मान इतना बढ़ गया था कि धारणा ही बन गई थी कि ब्रजभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में काव्य रचना नहीं की जा सकती। यही कारण था कि खड़ी बोली में काव्य रचना करने का प्रयास किसी भी कवि ने नहीं किया था। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि क्या कारण थे कि भारतेंदु के समय तक खड़ी बोली में काव्य रचना करने में संशय बना रहा।
यही कारण था कि वज्र एवं अवधि में ही काव्य रचनाएं होती थी। वज्र भाषा का मान इतना बढ़ गया था, एक धारणा सी बन गई थी कि वज्र भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में काव्य रचना की ही नहीं जा सकती, और किसी ने इसके लिए प्रयास भी नहीं किया। इसीलिए काव्य रचना जो खड़ी बोली में काव्य रचना करने में संशय बना रहता था। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। भारतेंदु युग के काव्य में प्रकृति वर्णन में क्या परिवर्तन आया? भारतेंदु युग के काव्य में प्रकृति वर्णन में क्या परिवर्तन आया, देखते हैं इसको भी। भारतेंदु युग में प्रकृति वर्णन में बदलाव आया, क्या आया? जहाँ पहले नायक नायिका के प्रेम को बढ़ाने में प्रकृति का चित्रण किया जाता था, यानी कि श्रृंगारिक रचनाओं के लिए प्रकृति का चित्रण किया जाता था, अब वहाँ पर सामाजिक उपयोगिता आदि को ध्यान में रखा गया। उदाहरण स्वरूप देखिए, कवि जब प्रकृति चित्रण करते हैं तो भारत की दयनीय दशा और समाज में हो रहे दुराचार को नहीं भूलते, तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आया प्रकृति के चित्रण में, प्रकृति के वर्णन में। कब? भारतेंदु युग में। तो आपने तीसरा, भारतेंदु युग में काव्य में प्रकृति वर्णन में क्या परिवर्तन आया, इसको भी समझ लिया। चलिए और देख लेते हैं इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। काव्य को जनसाधारण से जोड़ने के लिए भारतेंदु युग के कवियों ने छंद विधान में क्या परिवर्तन किया? काव्य को जनसाधारण से जोड़ने के लिए भारतेंदु युग के कवियों ने छंद विधान में क्या परिवर्तन किया? आइए इसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग किया। भारतेंदु युग के जो कवि थे वो परंपरागत छंदों का ही प्रयोग किया, साथ ही काव्य को जन सामान्य विशेषकर ग्रामीण जनता के साथ जोड़ने के लिए जो स्थानीय काव्य शैली थी, कजरी, लखनी, होली, बारहमासा, चैता के साथ उर्दू आदि के विभिन्न छंदों का प्रयोग किया। इस तरीके से वे जनसाधारण से जुड़ने का सफल प्रयास किए, और इस तरीके से भारतेंदु युग के कवियों ने छंद विधान में परिवर्तन करके जनमानस से जुड़ने का सफल प्रयास किया। तो यह आपके इकाई फर्स्ट इकाई जो थी उसका प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इकाई दो को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।